इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ वी टू लॉस। तो आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी आप देख रहे होंगे आज हमारे घर में सब रेडी हो चुके हैं, वो इसकी वजह ये है कि इनके ऑफिस में आज फ्लैग होस्टिंग वगैरह होनी है, तो वो इन्हीं को इनिशिएट करना है वहाँ पे। तो अभी ये जाएंगे ऑफिस और बच्चों को भी लेके जा रहे हैं। मैं सिर्फ इसलिए नहीं जा रही हूँ कि आपको पता है कि घर के कुछ काम वगैरह है, इसमें रुकी हुई हूँ, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर मैं भी कोशिश करूंगी मैं भी जाऊँ। तो फिलहाल अभी ये लकी निकला, इसको भारत दर्शन दो फ्लैग इसको डबल डबल मिला है। तो अभी ये लोग बस जाने वाले हैं, तो पहले इन लोगों को भेज देते क्योंकि वरना वहाँ ऑफिस में इनका जो काम फ्लैग होस्टिंग वगैरह वो लेट हो जाएगी। तो अभी आपसे फिर मिलते हैं। कार्तिक तुमने वहाँ पे क्या क्या किया ये तो बताया नहीं तुमने। मैंने वहाँ पे खाना खाया। तो इसका मोटो था वहाँ जाके सिर्फ खाना खाने, मोटो होके आने का वो मेरा मोटो मोटा होने का है, मोटा होने का है। तो ये सिर्फ वहाँ पे खाने के लिए गया था। क्या क्या मिला? क्या क्या मिला? क्या समोसा मिला, समोसे में क्रंची कुरकुरे से थे, बस स्टफिंग थोड़ी मुझे इतनी पसंद नहीं आई समोसे। जो कुरकुरे जो असली पापड़ी वाले कुरकुरे होनी चाहिए ना वैसे थे, और चटनी बहुत अच्छी थी, मतलब जो असली सॉल्ट होती है वो, और फिर दो मोती चूर के लड्डू खाए मैंने। देखा ये सही है, मतलब मेरा मेन ना जाने का रीजन ये था, हमारा एक्चुअली ना आरओ जो है वो खराब हो गया, तो हमने उसके लिए बुक करवा रखा है कि कोई आएगा वो ठीक करने के लिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई सर्विस करने वाला हमारे जाने के बाद आ जाता, तो इस वजह से मैं नहीं गई। और ऊपर से वो मेड भी आ रही थी, और एक दिन यहाँ पे बोलती है कि एक दिन यहाँ पे झाड़ू पोछा ना लगे तो चींटियां घूमने लगती है, चींटियां और राज करने लगती है, चींटियों का राजा भी आ जाता है यहाँ पे। मेरे को ना इस चीज का बड़ा वहम है, मतलब मैं इस चीज से बहुत ज्यादा वो हूँ कि चाहे ये मेरे को, मुझे ऐसा लगता है कि अगर घर में झाड़ू ना लगे ना, जैसे कई लोग होते हैं कि कहीं जाना जल्दी तो अवॉइड कर जाते हैं, लेकिन मेरे साथ एक ये है कि भले मुझे खुद झाड़ू लगा के जाना पड़े, लेकिन मैं घर में ना बिना झाड़ू लगा मतलब घर की सफाई करे बिना मैं नहीं रह सकती, तो मुझे इस चीज़ की बड़ी है। तो इस वजह से फिर मैं इसलिए भी नहीं गई क्योंकि मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, तो मैं उस चीज़ को खुद नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा ढंग से। तो फिर इस वजह से मैं कहा चलो कोई बात नहीं, ये लोग गए थे ये बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत खुशी है। लगवा दी होती मम्मा खुद चली जाती, मम्मी घंटा आपको मिलते झाड़ू पोछा लगाते हुए। नहीं चलो बच्चों ने स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया तो बहुत अच्छी बात है, और फ्लैग होस्टिंग करा दी है, तो सुनो हमें 500 रुपए दो आजादी के। आजादी उस नहीं मिलेगा, अभी देखते हैं कहीं चलते हैं, हमारी आजादी हुई है, हम कुछ भी मंगा सकते हैं बाहर से, और कुछ भी जो हमें खाना है वो खा सकते हैं, और आप पैसे भर देना बस। इनको बंद कर दो, बाहर जाने का हमारा प्लान पोस्टपोन हो गया, तो हमने फिर बच्चों के लिए उनकी फेवरेट चीज मंगा दी है। फिर भी आए हैं घर में डोमिनोज से, कार्तिक ने सारे ऑर्डर करे हैं, फ्लेवर कार्तिक को ही पता है। अभी दोनों कौन के लिए फाइट चल रही है यहाँ पे, और तीन वो पिज्जा, वंश तो चेंज करके बिल्कुल बन के आराम से बैठ गया। और हाँ ये इन्होंने ऑफर निकाला हुआ है, तो ये इन्होंने इंडिपेंडेंस डे का ऑफर निकाला हुआ है, तो ये गार्लिक ब्रेड जो है ये गिफ्ट आया है, मतलब फ्री गिफ्ट आया है, बाकी सब हमारा ऑर्डर है। तो खाते हैं पिज्जा। हम लोगों ने बच्चों से इतना इंसिस्ट किया कि चलो हमारे साथ चलो चलो थोड़ी देर बाहर घूम के आते हैं, उनको उनका पिज्जा मिल गया, तो उसके बाद उनको बाहर नहीं जाना था। तो हम दोनों ने, मैंने मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम दोनों खुद ही घूम आते हैं, कभी कभी अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, और वैसे बच्चे नहीं जाते तो हमारा मन था, तो हम खुद ही घूमने चले आए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे सब लोगों ने अपने घरों पे और बाहर सब जगह झंडे लगा रखे हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं, सब जगह झंडे लगे हुए, अगर दिखेंगे लाइन वाइज घरों में तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए सब जगह फ्लैग्स लगे हुए हैं, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ फ्लैग ना लगाओ, चाहे बड़े घर हैं चाहे छोटे घर हैं, इवन लोगों ने अपनी कार्स वगैरह पे भी फ्लैग लगा रखे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं लगे हुए। पहाड़ चढ़ना शुरू हो गए हैं, हमने सोचा कोई बात नहीं बच्चे साथ में नहीं है तो क्या पहाड़ को टच करके तो आ सकते हैं, देखते हैं कितना आगे तक जा सकते हैं। लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और जाम है यहाँ पे, क्योंकि दिल्ली वगैरह सब जगह से लोग घूमने आए हुए हैं। तो फिलहाल अभी मैं आपको अगर पहाड़ दिखा पाती तो जरूर दिखाऊंगी, बाकी इधर से थोड़ा बहुत तो ये दिख रहा है, ये देखिए आपको भी इसमें वीडियो में शो हो रहा होगा, ये देखिए पहाड़ दिखना शुरू हो गए हैं। मन तो कर रहा है चले ही जाए, लेकिन वही है ना, बस क्या करे मजबूरी। और ये ऊपर मसूरी का बोर्ड लगा हुआ है, 21 किलोमीटर है बस।
बच्चे हमारे साथ होते तो हम डेफिनेटली सोचते कि हाँ हम लोग निकल जाएं आगे, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बच्चे नहीं है। अगली बार बच्चों को मार मार के भी लाना पड़ा तो भी लेके आऊंगी चलो साथ में, ताकि कहीं जाना हो दूर तो हम जा तो सके, आसपास तो चलो हम अकेले घूम लेते हैं, लेकिन बच्चों को छोड़ के ज्यादा दूर जाना ना समझ नहीं आता, वरना तो हम दोनों चले ही जाते घूमने के लिए। नाना नाना करते करते हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, पीछे मंदिर था, अभी वो हम पास कर चुके हैं, अभी वापसी में दिखाती हूँ आपको। जाम देखिए कितना सारा है, हम लोग मजे मजे में घुस तो गए हैं मसूरी की रोड पे, कहीं वापसी जाने में हमारी क्लास ना लग जाए। आप देख सकते हैं ट्रैफिक, और ऑलमोस्ट सारा ट्रैफिक दिल्ली हरियाणा गाजियाबाद ऑलमोस्ट सब घूमने। और इधर देखिए व्यू कितना खूबसूरत दिख रहा है, मुझे वैसी पहाड़ ना बहुत पसंद है। कितनी सारी ग्रीनरी दिख रही है, देख के दिल खुश हो गया मेरा तो। ये देखिए वाओ, नीचे देहरादून, अभी यहाँ से नहीं दिख रहा, अभी पीछे दिख रहा था, ये नीचे देहरादून सिटी दिख रही है। अभी दिखाती हूँ यहाँ से अच्छा व्यू आएगा, पूरा देहरादून दिखाई दे रहा है, मुझे ज्यादा क्लियर दिख रहा है, मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये देहरादून सिटी है पूरी। यहाँ पे साक्या कॉलेज जो मैं अभी आपको आते वक्त दिखाना चाह रही थी, लेकिन उस वक्त ट्रैफिक मतलब रुका हुआ नहीं था, जाम का थोड़ा फायदा हो गया कि अब मैं इसे कैप्चर कर पा रही हूँ। और अब ये मंदिर आने वाला है जो अभी मैं पहले आपको नहीं दिखा पाई थी। ये जब भी हम मसूरी आते हैं तो जो लोग मसूरी आ चुके हैं सबको पता होगा रास्ते में ये मंदिर पड़ता है, यहाँ पे मतलब लोग दर्शन जरूर करते हैं, मोस्टली सब लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए मसूरी जाने से पहले, तो इसलिए भी यहाँ पे जाम थोड़ा मिलता है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको मंदिर, ये है मंदिर, यहाँ से प्रसाद वगैरह चीजें भी आप ले सकते हैं यहाँ से। और ये महादेव जी का मंदिर है, प्रकाशेश्वर श्री प्रकाशेश्वर मंदिर, महादेव जी का मंदिर है, ये है मंदिर। अभी यहाँ रोशनी इतनी नहीं है, ये है जय भगवान जी। तो अब इसके बाद हमारा देहरादून बस थोड़ी देर में ही शुरू होने वाला है। चलिए मसूरी से निकल के नीचे पहुंच ही गए, काफी लेट हो गया हमको, 8:30 बज गए। मैं सोची थी आज का व्लॉग मैं आज ही डालूंगी क्योंकि आज ही इंडिपेंडेंस डे है, तो और बाकी अभी हम लोग बच्चों के लिए गोलगप्पे और दही बल्ले वगैरह चीजें खाने की पैक करा रहे हैं। फाइनली अब हम घर पहुंच जाएंगे, बहुत घूम घूम के घर पहुंचे हैं क्योंकि ट्रैफिक इतना ज्यादा है, उसकी वजह से पुलिस ने बहुत ट्रैफिक इधर उधर डायवर्ट कर रखा है, तो बस थोड़ी देर में ही घर पहुंच जाएंगे अब।